कैसे कैसे ऐसा कर तो बहुत बड़े होंगे। सो गाइस वीडियो में जो ट्रेलर से सिखाएंगे एक इंस्टाग्राम रील में ट्रेनिंग वाला एक फार्म सुंदर एक बीट ट्रेलर एडिटिंग ट्यूटोरियल बताऊंगा, तो लोग स्टूडेंट ट्रेलर खुद के फोटो से बनाओगे ना बहुत अमेजिंग लगेगा। इस टाइप का ट्रेलर एडिटिंग करने के लिए इस वीडियो को फुल एच करना पड़ेगा। वीडियो में जो कुछ मटेरियल वगैरह यूज करूंगा सभी का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डायरेक्टली मेटर को डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं टेलीग्राम चैनल जाना चाहो वहाँ पर सारे मेटर का लिंक मिल जाएगा। सो गाइस वीडियो अच्छा लगे ना वीडियो को लाइक ठोक डालो, चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरह की एडिटिंग वीडियो मिलने के लिए और पे बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो गाइस हम बिल टू अपलोड से फिल्म टू टेक चैनल का वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके इट्स ऑल राइट। इस टाइप का ट्रेलर एडिटिंग करने के लिए फोन के अंदर एक ऐप रहना जरूरी है, वो है VN। तो VN एप्लीकेशन आप लोगों के पास नहीं है तो मैं टेलीग्राम चैनल में आप लोग जाओ, मैंने सारे एपी का लिंक यहाँ पे पिन मार के रखा हो तो यहाँ पे भी आप लोगों को VN एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग नहीं है तो डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर लेना। और गाइस आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक के ऊपर टच करोगे डायरेक्टली मैं टेलीग्राम चैनल में आ जाओगे। वो लिंक नहीं काम करेगा टेलीग्राम ऐप में, मेरा चैनल सर्च कर सकते हो बिल टू एमटेक बोल करके, तो आप लोगों को मेरा चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना। और यहाँ पर सारे मेटेरियल में मैं डालता हूँ तो आप लोग सिंपली यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और गाइस सबसे पहले आप लोग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद कुछ फॉर्मेशन मांगेगा, फर्स्ट टाइम करोगे तो फॉर्मेशन को अलाउ कर देना। उसके बाद आप लोगों को इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा आप लोगों के सामने एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद। तो आप लोग जो करोगे यहाँ पे जो नीचे शो कर रहा है प्लस आइकन इसके ऊपर टच करिए, उसके सिंपली पे जो न्यू प्रोजेक्ट है इसके ऊपर टच कर दीजिए। हम लोग फोटो से डेटा सेटिंग करेंगे तो हम लोग फोटो सेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप लोगों को जितना फोटो लगेगा अपना भी फोटो ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप लोग मेरा जो फोटो यूज़ कर रहे हो उससे भी आप लोग डेटा सेटिंग करना चाहते हो तो आप लोग वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली आप लोग 18 फोटो की जरूरत पड़ेगा अपना खुद का, और आप मेरा फोटो भी यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली मैं 18 फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, एक एक करके ऐसे करके प्रेस करके आप लोगों को 18 फोटो को सिंपली सिलेक्ट कर देना पड़ेगा। देख सकते हो आप लोग कैसे करके बिंदी आ रहा है, तो मतलब फोटो ऐड हो रहा है। तो इसके बाद आप लोग को फोटो ऐड करने के बाद मैं क्या करूँगा आप लोगों को पता आता होगा। सिंपली 18 फोटो को मैं ऐड कर लूँगा, तो 18 फोटो की आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगा। तो 18 ऐड कर लिया, करने के सिंपली आर में एक बार टच कर देंगे, उसके बाद सिंपली सारे फोटो आ गया देख सकते हो। उसके बाद आप लोग इसका रेशियो जो है इसको चेंज करना पड़ेगा, तो सिंपली यहाँ पे ऊपर शो कर रहा है जो इस आइकन इसके ऊपर टच करिए, उसका सिंपली आप लोग यहाँ पे जो रेशियो से ट्रेलर एडिटिंग करना चाहते हो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 9:16 में करूँगा तो इसको सिलेक्ट कर देंगे, उसके सिंपली इसको फिर से ऊपर टच कर देंगे हट जाएगा। उसके सारे फोटो को आप लोग को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ड्यूरेशन को, ठीक है। मैं ऑलरेडी ड्यूरेशन को एडजस्टमेंट करके प्रोजेक्ट को रखा हूँ, उस प्रोजेक्ट को आप लोग को दिखा दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एक बात वो लोग बताए, तो सिंपली यहाँ पर लास्ट में एक लोगो शो करेगा VN एप्लीकेशन का, तो यहाँ पर टच करना, उसके समय इसको डिलीट कर देना। और अभी जो काम करोगे इसके अंदर ऑडियो ऐड करना पड़ेगा। ऑडियो कैसे ऐड करोगे, ऑडियो ऐड करने के लिए सिंपली आप लोग जहाँ पे जाओगे सिंपली म्यूजिक आइकन पर टच करिए, उसके सिंपली एक्स्ट्रा जो लिखा है इसको टच कर दीजिए। उसके बाद आप लोगों को मैं एक वीडियो दे दूंगा, वीडियो से आप लोग एक्स्ट्रा का ऑडियो को ले लेना पड़ेगा, तो सिंपली प्लस आइकन में टच करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फॉर्म वीडियो है इस ऑप्शन में आप लोग टच करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग मैं जो वीडियो दूंगा वीडियो से आप लोगों को एक्स्ट्रा का ऑडियो को लेना पड़ेगा, तो सिंपली यहाँ पे टच करेंगे, उसके सिंपली ओके पर टच कर देंगे, एक्स्ट्रा हो जाएगा। उसके ऊपर आप लोगों को शो करेगा देख सकते हो, तो चूज पर सिलेक्ट कर दोगे वो आ जाएगा ऑडियो, देख सकते हो ऊपर ऑडियो आ चुका है। इतना तक काम आप लोगों को कर लेना पड़ेगा। तो मैं ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के अंदर जो करके रखा हूँ तो उस प्रोजेक्ट को ओपन करके दिखा दूंगा, मैंने जो फोटो का ड्यूरेशन रखा हूँ वो भी आप लोग को बता दो, ठीक है। सिंपल आप लोग इतना तक काम कर लीजिए, ऑडियो को ऐड कर लीजिए। तो मैं इस प्रोजेक्ट को क्लोज करता हूँ गाइस, एग्जिट करके हम बैक हो जाते हैं, उसके सिंपली हम लोग ओपन कर लेते जो मैंने प्रोजेक्ट के अंदर काम करके रखा हूँ। तो फर्स्ट फोटो जो आप लोग ऐड गए तो सिंपली उस फोटो का ड्यूरेशन रखना पड़ेगा गाइस 2.16, ठीक है 2.16 रखना पड़ेगा। उसके सिंपली उसके बाद में जो फोटो आएगा उसके अंदर आप लोग को जो ड्यूरेशन है 3.30, उसके बाद सिंपली जो तीन नंबर फोटो आएगा वो 1.50। उसके बाद जो भी फोटो ऐड करोगे, जो भी फोटो आप लोग लगाओगे मतलब तीन फोटो को छोड़ने के बाद जो भी फोटो आप लोग ऐड करोगे वो सारे 0.14, सारे फोटो के अंदर एक की ड्यूरेशन रखना पड़ेगा। तो मैं इसका भी आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में फोटो, तो आप लोग देख लेना के बाद आप लोग कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो वीडियो को अच्छे से देखोगे आप लोग पता चल जाएगा। उसके बाद मैं देख सकता हूँ यहाँ पे इफेक्ट भी ऐड करके रखा हो, तो इफेक्ट कौन सा लगा है तो वहाँ पे आप लोगों को दिखा दो। सिंपली एक्स पर जाएंगे, उसके बाद सिंपली आप लोग यहाँ पे दिख रहा है विथ यहाँ पे एक जो दो नंबर के बाद ब्लैक के पास जो साइड में आ रहा है इसको मैंने सिलेक्ट करके रखा हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे ऐसे करके आप लोग को छोड़ना पड़ेगा और इसको ऐसे करके इतना तक लेना पड़ेगा, मतलब जहाँ से देख लीजिए म्यूजिक स्टार्टिंग होगा, थोड़ा सा म्यूजिक एक आएगा आप लोग को समझ में आ जाएगा जब लोग सुनोगे। तो थोड़ा सा आगे इसका पार्ट छोड़ देना, उसके इसको इतना तक ले लेना पड़ेगा, इसको डन कर देना पड़ेगा। देख लीजिए ऐसे करके होगा, पहले नॉर्मल रहेगा उसके बाद सिंपली ऐसे करके ब्लिंग इफेक्ट करेगा। उसके बाद सिंपली फिर से आप लोग यहाँ पे दूसरे इफेक्ट देने के लिए
इफेक्ट्स पे जाना पड़ेगा, उसके सिंपल में जो इफेक्ट दिया हो सिंपल देख लीजिए, या पे ब्लिंग है, ब्लिंग भी दे सकते हो, जो भी आप लोग पसंद है आप लोग कर सकते हो, उसके सिंपल इसको भी इतना तक लेना पड़ेगा, फुल नहीं होगा, थोड़ा सा लास्ट में रह जाएगा, उसके इसको डन कर देना। उसके सिंपल फिर से आप लोगों को तीसरे फोटो के अंदर जो इफेक्ट मैंने दिया वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। सिंपल यहाँ पे इफेक्ट्स पे जाएंगे, उसके सिंपल यहाँ पे जो है एक्सप्रेशन ये भी आप लोग दे सकते हो, नहीं तो आप लोग चाहो तो यहाँ पे जूम इन है एक यहाँ पे, तो आप लोगों को जो भी अच्छा लगे वो आप लोग कर सकते हो। तो मैं जूम इन को आप लोग करके दिखा देता हूँ। सिंपल यहाँ पे जूम आउट है, जूम इन है, जूम आउट के पास जो फ्लिक है ये भी आप लोग दे सकते हो ऐसे करके, तो इसको फुल कर सकते हो। तो आप लोगों को जो भी अच्छा लगे कर सकते हो, तो मैं इसको दिया हूँ, तो आप लोग जो भी मनपसंद है आप लोग ऐड कर सकते हो। इसके बाद इसका ड्यूरेशन कैसे करके इंक्रीज करना पड़ेगा, थोड़ा सा लास्ट में रह जाएगा, उसके इसको डन कर देंगे। उसके बाद जो सारे फोटो ऐड किया वो सारे फोटो के अंदर जो जो मैं इफेक्ट दिया वो आप लोगों को दिखा दो। फिर से इफेक्ट्स पर जाएंगे, इफेक्ट्स पर जाने के बाद सिंपली यहाँ पे फ्लिक है उसके इसको डन कर देंगे हम लोग, उसका सिंपली ऑलरेडी फुल हो जाएगा। उसके इसका भी जो दिया हूँ मैं सेक, उसके बाद सिंपली यहाँ पे जाम, जो भी आप लोग यहाँ पे अच्छा लगे जाम सेक फिल यहाँ पे जो भी अच्छा लगे आप लोग यहाँ से कर सकते हो। तो मैं वही दिया हूँ, तो यहाँ पे ये सारे इफेक्ट एक ही टाइप का होगा, थोड़ा सा अलग है। तो आप लोग ऐसे करके घुमा फिरा के लास्ट में जो भी फोटो रहेगा उसके अंदर ऐसे करके इफेक्ट को लगा देना पड़ेगा, और कुछ नहीं। आप लोग अपना चैनल नेम इंस्टा लोगो जो भी है ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पे टच कर सकते हो, उसके बाद टेक्स्ट पे जाके आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे फॉन्ट भी आप लोग चेंज कर सकते हो, यहाँ पे सारे फॉन्ट आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोग देख लेना। उसके बाद कलर भी आप लोग चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं तो आप लोगों का जो भी लोगो वगैरह है तो इमेज पे जाके जो आप लोगों का ट्रांसपेरेंट का PNG है तो आप लोग सिंपली यहाँ पे फ़ोन के फोटो से ढूंढ करके फोटो साइड में जाके ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली हम लोग यहाँ पे टच करेंगे, उस ऊपर जो एक्सपोर्ट शो कर रहे हैं उसका थोड़ा देर आप लोग को वेट करना पड़ेगा। उसके बाद एक सेव बोल करके ऑप्शन आ जाएगा, सेव टू गैलरी बोल करके, तो उसके बाद आप लोग क्लिक कर दोगे वीडियो फ़ोन के अंदर आप लोग का सेव हो जाएगा। तो देख सकते हो सेव टू एल्बम हो गया, उसके बाद क्लिक करने के बाद फोन के अंदर हम लोगों का सेव हो गया। ओके गाइस, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या कर रहे चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन रहता है इसी तरह की एडिटिंग वीडियो मिलने के लिए ऑल पे प्रेस कर देना। और अगर इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अगर इस वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना। गाइस प्लीज़ हो सके तो प्लीज़ वीडियो को फ्रेंड्स से शेयर भी कर देना, भाई को थोड़ा सा सपोर्ट करो। और गाइस इस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ भी डाउट वगैरह रहता है तो मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करके जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, बाय बाय।